बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अचानक से सोशल मीडिया क्यों छोड़ दिया है, इस बात की जानकारी उन्होंने फैंस को नहीं दी थी। आमिर खान का अचानक से सोशल मीडिया छोड़कर जाना उनके फैंस को अखरने लगा और वो ये जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया है। अब आमिर खान ने इसका जवाब दे दिया है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आमिर खान इस बारे में बता रहे हैं। इस वायरल वीडियो में आमिर खान मीडिया से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वो कहते हैं, मैं अपनी धुनकी में रहता हूँ, सोशल मीडिया पर हूँ कहाँ मैं, मुझे लगा वैसे भी मैं कुछ पोस्ट नहीं करता, मैं अपनी धुनकी में लगा रहता हूँ, मैंने अलविदा नहीं कहा है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, पहले भी तो मीडिया के जरिए अपने फैंस से बात करता था, अब मीडिया का रोल और बढ़ गया है क्योंकि फैंस और ऑडियंस से मैं उनके जरिए ही बात करूंगा। बता दें, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर आमिर खान ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने जा रहे हैं। आमिर खान ने पोस्ट में लिखा है कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के सोशल मीडिया हैंडल से फैंस के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो ट्रेडिशनल मीडिया के माध्यम से फैंस को अपने बारे में जानकारियां दिया करेंगे। आमिर खान के पोस्ट के अनुसार, मेरे जन्मदिन पर इतनी सारी बधाइयां भेजने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मेरा दिल भर आया है। ये मेरा आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट है। मैं सोशल मीडिया पर वैसे भी काफी एक्टिव नहीं रहता हूँ, जिस कारण मैंने यहाँ से विदा लेने का फैसला किया है। हम लोग पहले जैसे ही बातें करेंगे। बता दें, आमिर खान की आखिरी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म फॉरेस्ट गम की रीमेक लाल सिंह चड्ढा के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और 2021 के एंड में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो सकती है। आमिर खान ने हालांकि अभी तक इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अगर ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो वो साल के एंड में अपने फैंस को सरप्राइज दे सकते हैं। आमिर खान हर साल क्रिसमस के मौके पर अपनी फिल्म्स रिलीज करते हैं और इस साल भी क्रिसमस के मौके पर वो वही धमाल मचाएंगे। फिल्म लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के साथ करीना कपूर खान नजर आएंगी। आमिर खान को पिछली बार अपकमिंग फिल्म कोई जाने ना के एक स्पेशल सॉन्ग में देखा गया था। उन्होंने अपने दोस्त अमीन हाजी के साथ काम करने के अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वेल, अब आमिर खान ने बता ही दिया है कि उन्होंने सोशल मीडिया क्यों छोड़ा है। ऐसे में उनके फैंस को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। क्या आप चाहते हैं कि आमिर खान एक बार फिर से सोशल मीडिया रीजॉइन कर ले, या फिर उनका ट्रेडिशनल अंदाज ही आपको पसंद आता है? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।